राहुल गांधी ने आज मजदूरों से बातचीत का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो पर मायावती भड़क गई हैं। ट्विटर पर मायावती ने लिखा है, मजदूरों से बातचीत का राहुल का वीडियो हमदर्दी कम और नाटक ज्यादा लग रहा है। मजदूरों की दुर्दशा की असली कसूरवार कांग्रेस पार्टी है। आपको बताते हैं कि मायावती ने आज राहुल गांधी पर हमला करते हुए क्या ट्वीट किया है। तो उस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी का वीडियो हमदर्दी कम, और ये देखिए मजदूर की दुर्दशा के असली कसूरवार तो कांग्रेस पार्टी है। मजदूरों से मिलकर राहुल गांधी ने उन मजदूरों की कितनी मदद की। मायावती आज भड़क गई हैं राहुल गांधी पर। आइए आपको बताते हैं, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज ट्वीट करते हुए क्या लिखा। लॉकडाउन के कारण करोड़ों प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा की असली कसूरवार कांग्रेस है, क्योंकि आजादी के बाद इनके लंबे शासनकाल के दौरान अगर रोजी रोटी की सही व्यवस्था की गई होती तो इन्हें दूसरे राज्यों में क्यों पलायन करना पड़ता। कांग्रेस अगर ये बताती कि उसने उनसे मिलते समय कितने लोगों की मदद की। लॉकडाउन के कारण करोड़ों प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा के जिम्मेदार सीधे सीधे उन्होंने राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को ही ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी इन प्रवासी मजदूरों से जो पलायन कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने खुद उनके लिए क्या किया। उन्होंने उनके इस पूरी मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल के इस वीडियो पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी सवाल खड़े किए, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये देखिए कि राहुल गांधी जब प्रवासी मजदूरों से मुलाकात कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने क्या बातचीत की। लॉकडाउन हम लोगों को कोई बीमारी को हरा दिया, बीमारी को कोई नहीं हराया। लगाना था लॉकडाउन, कुछ भी जो भी करना था कम से कम जो बाहरी आदमी थे उनको तो घर भेजते थे, फिर जो तुम्हें करना था कर सकते थे। पहले तो बता सकते थे, 8-10 दिन पहले बता देते कि आदमी अपने घर चले जाए, इतने दिन के लिए काम बंद होगा। हरियाणा से ट्रेन नहीं चली? नहीं, कुछ भी आपने कोशिश किया ट्रेन में जाने का? चलनी तो बोल रहे थे 3,000 का रिजर्वेशन बनेगा, हमारे पास तो नहीं है 3 रुपए, हम 3,000 का रिजर्वेशन कहाँ से बनवाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट में पैसा डाला? नहीं, हमारे अकाउंट में 1 रुपए भी नहीं आया, 1 रुपए भी नहीं आया। 2-4 हजार डले होंगे, बोल दिया सबको डाल दिया, 2-4 आदमी के खाते में डाल लेते, बोले पूरी जनता को डाल दिया। आएंगे तो बताएगी नहीं जनता, तो इतनी दुखी क्यों होगी। पहली बात का होता 500 रुपए में, एक दिन की सब्जी नहीं आती। काम धंधे सब बंद से आ रहे हो? हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं। तो क्या क्या वहाँ क्या करते थे? मजदूरी करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, चुनाई प्लस का। चुनाई प्लस का। और आपका पूरा परिवार यहाँ? ये पूरे परिवार ही है, अब सब एक साथ चले। हाँ, एक साथ चले। और कितने देर से चल रहे हो? कल से चले, शाम से। कितने किलोमीटर? वही 100 किलोमीटर के आसपास। ये जब लॉकडाउन हुआ कैसे पता लगा आपको? एकाएक एकदम एक दिन का पता चला था, कुछ नहीं करा। और आप वहाँ पे कहाँ रहते थे? किराए से रहते थे। किराया थे कितना? क्या किराया लगता? 2500 रुपये किराया। अब आप यूपी जा रहे हो? हाँ। अब गाँव कितना दूर है यहाँ से? वो झांसी के पास पड़ता है, मऊरानीपुर। 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। राहुल गांधी के इसी वीडियो पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, राहुल गांधी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, वो केवल पॉलिटिकल पोल्यूशन फैला रहे हैं। राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बजाय पॉलिटिकल पोल्यूशन में ज्यादा लगे हुए हैं। इनको पॉलिटिकल पोल्यूशन फैलाना बंद करना चाहिए और प्रॉब्लम के सोल्यूशन का हिस्सेदार भागीदार बनना चाहिए। आज जो है वो एक असाधारण संकट का समय है। कोरोना का कहर हमारे ऊपर है ही, आप देख रहे हैं तूफान की तबाही। ये तमाम एक असाधारण संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक संकट मोचक की भूमिका में मजबूती के साथ संघर्ष करके, मेहनत करके, परिश्रम करके और इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए काम कर रहे हैं। अब इनकी दिक्कत यह है कि ये हर दिन जो है वो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो, ये सोल्यूशन नहीं चाहते बल्कि कंफ्यूजन चाहते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मुंबई पुलिस पर कोरोना का किलर।